नमस्कार, आपका दोस्त योगेंद्र वर्मा फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपको आज सेविंग के बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन देने के लिए इस वीडियो को बनाया गया है। आप सभी से आज सेविंग कैसे और कहां कहां होती है और कहां करनी चाहिए उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दूंगा। आप सभी से रिक्वेस्ट है कृपया इस वीडियो को एंड तक देखें और जनरली इस वीडियो में आपको ये समझ में आएगा कि जेन्युइन सेविंग कहां करना चाहिए। आज की डेट में बात कर लेते हैं दोस्तों, अगर मैं आपसे स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछूं आप सेविंग कहां करते हैं, आप सेविंग कहां करना पसंद करेंगे। बहुत सारे सेविंग के ऑप्शन है, आज मैं वो सारे ऑप्शन आपके सामने खोलने वाला हूं, बताने वाला हूं, जिससे कि आपको समझ में आएगा आप लोग क्या गलती कर रहे हैं, आपको कहां करना चाहिए और कौन से राइट वेज हैं, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर आप जेन्युइन सेविंग करते हैं जिससे कि आपको मनवांछित जो भी आपकी प्लान इमरजेंसीज हैं, प्लान रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सब फुलफिल हो सकती हैं। बात करते हैं फटाफट बिना कोई समय वेस्ट किए। जो लोग भी पहली बार चैनल पर आए हैं, आप सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि आपके हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई जरूर करता हूं और आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए कुछ नया नया मटेरियल लेके आऊं। तो सबसे पहले आज सेविंग के ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। आज की डेट में सेविंग करने के कौन कौन से रास्ते हैं, कहां कहां पर हम लोग सेविंग करते हैं। सबसे पहले ज्यादातर लोग सेविंग करते हैं बैंक के थ्रू, एफडीज बनाते हैं, आरडीज बनाते हैं और वहां पर जो आज की डेट में सेविंग बैंक के अगर इंटरेस्ट की बात करूं तो 3% 3.5% का बैंक का पर एनम का साल का ब्याज है, जो कि जनरली बहुत ही कम है। अपने ऐसे पैसे को जो आपने बैंक में डाल के छोड़ रखा है अननेसेसरी वेस्ट मत करिए, वो प्योरली वेस्ट है। वो थोड़ा बहुत इमरजेंसी के लिए होना चाहिए लेकिन अननेसेसरी आपने 10-20-50 लाख करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ अगर सिर्फ सेविंग या करंट अकाउंट में डाल के छोड़ रखे हैं, विच इज एक्चुअली वेस्ट। मोस्ट ऑफ द पर्सन ये गलती करते हैं, ध्यान नहीं रखते हैं। इसके बाद कुछ लोग और भी हैं जो एफडीज बनवाते हैं, मैं उनको गलत नहीं बोलता हूं, लेकिन एफडीज के भी अगर मैं रेट्स की बात करूं तो आज गूगल पर डाल के आप चेक कर लीजिए, मोस्ट ऑफ द प्राइवेट और गवर्नमेंट बैंक के जो रेट्स हैं बिलो 60 इयर्स 5.40%, 5.25%, 5.60%, 5 से 5.5% के आसपास के पर एनम के रेट हैं, वो भी टेक्निकली आपके लॉन्ग टर्म गोल्स को मैच नहीं कर पाएंगे, मीट नहीं कर पाएंगे। और सबसे बड़ी ड्रॉबैक, कोई भी बैंक की एफडीज 3 साल या 5 साल से ज़्यादा की नहीं होती है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक, जो भी इंटरेस्ट आपको आता है वो इंटरेस्ट टैक्सेबल होता है, 10% TDS मिनिमम कटेगा और जो भी उसकी इनकम आएगी वो पूरा टैक्सेबल होगा, 20% 30% जिस भी स्लैब में आप आते होंगे उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये सबसे खतरनाक चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। सेविंग करने की और भी कई वेज है, उनके बारे में ही बताता हूँ। बहुत सारे लोग पोस्ट ऑफिस में अपना डिपॉजिट करते हैं, रेकरिंग डिपॉजिट्स करते हैं, बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट करते हैं, वो भी एफडी की फॉर्मेशन ही है, वो भी एफडी ही है। और जो पोस्ट ऑफिस की बात करूं, वहां पर बहुत सारे किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, मल्टीपल 5 साल 10 साल 12 साल की टर्म्स के विकास पत्र टाइप के ऑप्शंस आते हैं, जिसमें कि आप अपने पैसे को 12 साल 14 साल में डबल कर सकते हैं या एक सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट में 5% 5.5% 5.5% 6% तक का रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैक्सिमम आपको पोस्ट ऑफिस प्रोवाइड करता है। वहां पर भी जो भी रिटर्न आपको मिलेगा, इंटरेस्ट जो भी मिलेगा वो भी टैक्सेबल होता है, वो भी टैक्स के दायरे में आता है, इसलिए वो भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। चॉइस आपकी, आप जहां मर्जी इन्वेस्टमेंट करें। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन क्या होता है, बैंक हो गया, सेविंग बैंक हो गया, आपका एफडी आरडीज हो गई, विकास ये विकास पत्र वगैरह हो गए पोस्ट ऑफिस के। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो सेविंग करते हैं वो इंश्योरेंस पॉलिसीज के अंदर करते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसीज में भी दोस्तों बहुत 2 या 3 तरह की कैटेगरीज आती हैं। एक कैटेगरी आती है जिसे हम बोलते हैं एश्योर्ड रिटर्न या ट्रेडिशनल प्लान्स। एश्योर्ड रिटर्न्स वो होती हैं दोस्तों जो कैलकुलेटेड बेस पे होती हैं, एजम्पशन बेस पे होते हैं, इट इज नॉट गारंटी कि इतना मिलेगा। और बहुत सारे लोग
अगर मैं बात करूं जो अपने बच्चों के लिए बड़ी एजुकेशन प्लान करना चाहते हैं, जो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर देना चाहते हैं, उनका मैरिज के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं, अपने लिए फंड जनरेट कर रहे हैं, कोई उनका सपना है कोई मकान के लिए किसी चीज के लिए वो फंड जोड़ रहे हैं, और ऐसे अनगारंटेड नॉन गारंटेड प्रोडक्ट्स में पैसा लगा के फंस जाते हैं जब एंड ऑफ द डे जब मैच्योरिटी आती है तो जो एजेंट ने बताई हुई होती है वो नहीं मिलती। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है, वो जो एजेंट आपको प्रेजेंटेशन देके जाता है बताता है वो किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बना के क्रिएट करके देके जाता है। और बहुत सारे एजेंट्स, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं, लेकिन बहुत सारे एजेंट जो प्रेजेंटेशंस आपको देते हैं उसमें इन्फ्लेटेड फिगर्स होती हैं, वो आपकी फिगर्स एक्चुअल से बढ़ाई गई होती है, जो एक्चुअल आनी होती है वो नहीं दिखाया जाता है, आपको अच्छा लगे इसके ब्याप पर प्रेजेंटेशन बढ़ा दी जाती है, जब आपका जो सर्टेन गोल है वो फुलफिल नहीं हो पाता और उसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो मेरा एक फर्ज है आपको गाइड करने का। बहुत सारी कंपनीज के अंदर एश्योर्ड रिटर्न वाले प्लान्स आते हैं जिनके बॉन्ड्स के ऊपर राइटिंग में नहीं लिखा होता मैच्योरिटी कितना मिलेगा, चाहे वो LIC हो, चाहे वो कोई प्राइवेट कंपनी हो, चाहे वो कोई भी कंपनी क्यों ना हो, जिस भी कंपनी के बॉन्ड पे जो भी आप लाइफ इंश्योरेंस प्लान खरीदते हैं, जिस भी कंपनी के बॉन्ड पे मैच्योरिटी वैल्यू, ध्यान रखिएगा इस बात को, मैच्योरिटी वैल्यू ना लिखा हो तो वह समझ लीजिए ये एश्योर्ड रिटर्न वाले प्लान्स हैं। एश्योर्ड रिटर्न का मतलब होता है एजम्पशन बेस्ड रिटर्न, आपका बोनस बेस्ड रिटर्न, परफॉर्मेंस बेस्ड रिटर्न, कि अगले 10 सालों बाद, अगले 20 सालों बाद, अगले 25 सालों के बाद जैसे जैसे उस कॉर्पोरेशन को, उस कंपनी को प्रॉफिट आएगा, उसके बेसिस पर जैसे जैसे बोनस डिक्लेयर होगा, प्रॉफिट डिक्लेयर होगा, आपका पॉलिसी में बोनस या इंटरेस्ट जुड़ना शुरू हो जाएगा। दैट इज नॉट नॉन गारंटी कि वो इतना ही होगा जो एजेंट ने आपको आज बताया। तो प्लीज अंडरस्टैंड, ऐसे जो नॉन गारंटेड प्लान्स होते हैं उस पर बहुत ज़्यादा बिलीव ना करें, उसको कंपनी की साइट से जरूर वेरीफाई करें कि जो बताया गया है और कंपनी की वेबसाइट पर जो वो शो हो रहा है वो मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, रिटर्न्स मैच कर रही है कि नहीं कर रही है। ये मैंने बताया आपको एश्योर्ड रिटर्न वाले प्लान। एक और प्लान होता है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस के अंदर ही आपको गारंटेड वर्ड मेंशन मिलेगा, गारंटेड प्लान्स मिलेंगे, मैच्योरिटी वैल्यू, रिटर्न्स वैल्यू गारंटेड आपके बॉन्ड पे, आपके पॉलिसी पे लिखे हुए मिलेंगे, कब कब कितना कितना पैसा मिलेगा, इतने पैसे इतने टाइम तक देंगे इतना मिलेगा, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक गारंटेड प्लान। उनकी रिटर्न्स में भी कम हो सकती है। इन दोनों प्लान्स में एक सबसे अच्छी कॉमन चीज होती है, जो इनको आप प्रीमियम पे करते हैं वो ETC के अगेंस्ट टैक्स फ्री होता है, आपका 1.5 लाख की जो लिमिट होती है उसके अंदर आपका क्लेम कर सकते हैं, टैक्स नहीं लगेगा, और जो मैच्योरिटी मिलती है वो भी अंडर सेक्शन 1010D के अगेंस्ट टैक्स फ्री होती है। ये बहुत बड़ी और जबरदस्त चीज है जो आपको समझनी चाहिए, आपको टैक्स सेविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मैच्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जब बाद में मैच्योरिटी के टाइम पे अगर किसी जगह आपने पैसा डाल के पैसा निकाला, चाहे वो बैंक FDs हो, चाहे वो किसान विकास पत्र हो, और वहां पर उस मैच्योरिटी पर टैक्स लग जाएगा तो आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक होगा, बहुत बड़ा पैसा टैक्स में जा सकता है। यहाँ पर जितने भी कंपनीज के लाइफ इंश्योरेंस प्लान होते हैं इनका मैच्योरिटी टैक्स फ्री होता है अंडर सेक्शन 1010D, ये दोनों प्लान में कॉमन होता है, चाहे वो एश्योर्ड रिटर्न वाले हों चाहे वो गारंटेड रिटर्न वाले ऑप्शन हो। अगर आप अपने बच्चों के लिए जेन्युइनली कुछ ऐसा प्लान कर रहे हैं, चाहे वो उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनकी मैरिज हो, चाहे आपकी रिटायरमेंट हो, चाहे वो आपके कोई भी इमरजेंसी ऑक्यूरेंस वाली चीजें हो इन फ्यूचर आने वाली जो आपकी साथ होनी ही होनी है, तो हमेशा गारंटेड प्लान वाले ऑप्शंस में आपको अपना पैसा लगाना चाहिए, टाइम लगाना चाहिए, समय लगाना चाहिए। और ये मेरी अपनी राय है जिसको मैं हमेशा देने में बिलीव करता हूँ, जो सही है, क्योंकि गारंटेड चीजें मिलेंगी, नॉन गारंटेड चीजें मिलेंगी, लेकिन कितनी मिलेंगी मैं नहीं बता सकता, कोई भी नहीं बता सकता। जो एजेंट्स आपको एजम्पशन बेस्ड कुछ भी डाटा बना के देते हैं
मैं उनको नमस्ते बोलता हूँ आपकी नॉलेज के लिए। इसके अलावा भी कुछ और वेरिएंट है मार्केट में जो इसमें आप सेविंग कर सकते हैं, जिसे बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड्स में सेविंग करते हैं, SIPs के थ्रू सेविंग्स करते हैं, बहुत सारे लोग शेयर्स में सेविंग करते हैं, और इसके अलावा कमोडिटीज में डालते हैं, क्रिप्टो करेंसीज में डालते हैं। दे ऑल आर नॉन गारंटीड वेरिएंट्स। इवन यूलिप्स में भी लोग पैसे डालते हैं, वो भी इंश्योरेंस का म्यूचुअल फंड बेस्ड लिंक प्लान है। तो वो जितने भी ऑप्शंस हैं आपको सारे वेरिएंट्स में पैसा डालना चाहिए। कभी भी ऑल एग्स, जो फाइनेंशियल रूल कहता है, ऑल एग्स शुड नॉट बी इन ए सिंगल बास्केट। अपना सारा पैसा एक ही तरह के वेरिएंट में नहीं लगाना चाहिए, उसको प्रोपोर्शनेटली अलग अलग बकेट में आप लगाएंगे तो वहां से कुछ ना कुछ बेटर रिटर्न आपको अच्छा और बढ़िया मिलेगा। मैं ये नहीं कहता कि आपका म्यूचुअल फंड खराब है या शेयर मार्केट खराब है, कमोडिटीज खराब है, क्रिप्टो खराब है। जिस चीज की आपको पूरी समझ नहीं है उसमें किसी पर अननेसेसरी ब्लाइंड फेथ करके कोई पैसा लगाना वो खराब है। अगर आपको क्रिप्टो की नॉलेज है, अगर आपको शेयर्स की नॉलेज है, अगर आपको म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, तो रेस्पेक्टिवली जितना आप मैनेज कर सकते हैं, जितना आपको समझ है उसके अकॉर्डिंग इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल करिए। लेकिन ये नॉन गारंटीड वेरिएंट है, मार्केट कब बढ़ेगी कब नीचे जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से बात करते हैं तो मे बी म्यूचुअल फंड एंड शेयर्स अच्छे हो सकते हैं, लेकिन ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से बात करूं तो वो बिल्कुल भी यूजफुल नहीं है, क्योंकि उसमें आपका रेगुलर इंटरवेंशन जरूरी है, पूरी नो हाउ जरूरी है, नहीं तो मैक्सिमम टाइम आपके साथ लॉस ही होना है। इसके अलावा भी बहुत सारे और छोटे मोटे सेविंग के तरीके हैं। बहुत सारे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे लोग डायमंड में, ज्वेलरी में और प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो सारे वेरिएंट भी अवेलेबल हैं। लेकिन सारे लोग इतना बड़ा लमसम पैसा प्रॉपर्टीज के लिए इकट्ठा नहीं कर पाते, सारे लोग गोल्ड ज्वेलरी के लिए भी इकट्ठा पैसा इन्वेस्ट नहीं कर पाते, और गोल्ड और ज्वेलरी की इन्वेस्टमेंट एक्चुअली वेस्ट है। वो कहीं ना कहीं आपके पैसे को डेप्रिशिएट करती है, अप्रिशिएट कम करती है। चांसेस होते हैं कभी आपने बहुत लंबे टाइम तक 20,000-25,000 के रेट पे गोल्ड लिया होगा, आज 50,000 रुपये के रेट पे है, तो मैक्सिमम डबल है उसको। हो सकता है 10 साल हो गए हो, 20 साल हो गए हो, तो 10 साल 20 साल के अंदर अगर कोई रिटर्न आपको मैक्सिमम डबल के आसपास दे रहे हैं ना, तो बहुत बड़ी रिटर्न नहीं है। और ज्वेलरी में हमेशा पैसा कट के मिलता है। अगर आपने सॉलिड आइटम गोल्ड लिया है, बिस्किट लिया है, तो उसको आप फिर भी एक्सचेंज करना इजी है, कन्वर्ट करना इजी है। बट अगर ज्वेलरी फॉर्मेशन में लिया है तो उसमें डिडक्शंस होता ही होता है। इसको मैं आपको बताना समझाना चाहता हूँ। तो मैं उम्मीद करूँ जो मैंने आपको वेरिएंट समझाए सेविंग के, आपको समझ में आए होंगे, और आप अपना सेविंग करते समय ध्यान रखेंगे कि मैक्सिमम पोर्शन आपको कहाँ रखना है, इट्स अप टू यू। ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, हम लोग प्रॉपर फाइनेंशियल प्लानिंग बनाते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि आपको कहाँ कहाँ किस किस वेरिएंट में इन्वेस्ट करना चाहिए। धन्यवाद, आपसे बात करके आपको समझा के अच्छा लगा। थैंक यू।